ओम शांति। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि सार्वभौमिक सत्य सर्वकालिक ज्ञान सिंधु स्वयं परमेश्वर परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित मानवात्म के अंदर सद्भाव को जागृत करने वाले श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान, जिस ज्ञान के माध्यम से परमात्मा ने पूरे मानव सृष्टि का उद्धार किया, मानव के अंदर छिपे हुए आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश करवाया, पुनः सृष्टि पर दैवी सृष्टि का निर्माण किया, ऐसे अद्भुत ज्ञान सरिता के गहराइयों की, शीतलता की, शुद्धता की अनुभूति करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जबकि ये एक समाध स्वरूप है, परमात्मा के साथ मनुष्यात्मा के एक रूरिहान है, आपसी वार्तालाप है। मनुष्यात्मा जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं हो जाता, तब तक उनके मन में बहुत सारे संशय, शंकाएं, संदेह बने रहते हैं। और मनुष्यात्मा के अंदर जैसे जैसे परमात्मा के समीपता बढ़ती जाती है, उतनी सीखने की भावना भी जागृत हो जाती है, होनी भी चाहिए। जब तक मनुष्यात्मा को सीखने की भावना नहीं है, तब तक वो संपूर्णता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकता। आप सभी ने कबूतर का घोंसला देखा होगा। कई पंछियां हैं जो बहुत सुंदर घोंसले बनाती हैं, लेकिन कबूतर का घोंसला ऐसे रहता है कि देख भी नहीं सकते। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी भी है। एक जमाना था जब कबूतर पेड़ के नीचे ही अपना घोंसला बनाता था, लेकिन लोमड़ी है ना, उसके अंडे खा जाते थे, नष्ट कर देते थे। कबूतर एक दिन दुखी होकर अपने साथी पंछियों से पूछा कि क्या करूं, मेरे एक भी अंडे बचने नहीं देता है लोमड़ी। तो सभी ने कहा तुम पेड़ के ऊपर बना लो घोंसला। तो कबूतर ने कहा मुझे इस पेड़ के ऊपर बनाना नहीं आता। तो सभी पंछियों ने कहा नहीं, हम मदद करेंगे ना, सिखा देंगे। चार पांच पंछी आए और घोंसला बुनने लगे, तिनके तिनके उठा के लाए। जैसे थोड़ा बन गया, बन रहा था, कबूतर ने देख लिया, कहा हाँ मैं जानता हूं, मैं बना लूंगा, तुम चले जाओ। और खुद बनाने शुरू किया, इसको आया नहीं है। फिर से पंछियों को बुलाया, फिर पंछियों ने मदद किया, और थोड़ा बन गया। तो इसने कहा नहीं नहीं मुझे आता है, मैं बना दू। फिर वो पंछी भाग गए। फिर तीसरे बार बुलाया तो सभी ने कहा तू बार बार ये करता है, तू खुद ही बना ले। लेकिन इसको खुद बनाना तो आया ही नहीं, इसलिए जैसे का तैसा उसका घोंसला क्या रहता है, घोंसला ही नहीं, बस यूं ही बना के रखता है। एक ही जनपद की एक बहुत सुंदर कहानी है। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के अंदर यह रहता है ना कि मैं सब जानता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कुछ बना नहीं सकता। लेकिन गीता ज्ञान के माध्यम से, ये भगवान और अर्जुन के संवाद से, वार्तालाप से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी हम ये घमंड ना करें कि हाँ मैंने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ सीख लिया, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि नो मैन इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, इस दुनिया में कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं। परिपूर्णता की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, भगवान हमें साथ दे रहे हैं। इसलिए ये जो वार्तालाप है, रूरिहान है, आपसी वार्तालाप के जरिए गीता कर्तृ ने, वेदव्यास जी ने ये हमें जताने का प्रयत्न किया है कि कितना भी तुम सीख ले, नम्रता बनाए रखो, सीखने की भावना रखो, तभी तुम आगे बढ़ोगे। अर्जुन के माध्यम से ये जो प्रश्न यहाँ पर रखा गया है, ये यही दर्शाता है कि भगवान से सुनने के लिए
कितने भी सुने कम हैं, क्योंकि भगवान तो सकल है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते, बहुत सूक्ष्म प्रश्न हमारे मन में आने लगते हैं। साधना के पथ पर जब हम अग्रसर होते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बारीकी की संदेह उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे मिटाना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। दबाते जाएंगे तो पता नहीं कब वो बर्स्ट हो जाएंगे, जैसे कुकर बर्स्ट होता है। ऐसे होने नहीं देने चाहिए। आजकल हम देखते हैं, आजकल की जनरेशन की ये प्रॉब्लम है, वो बड़ों की बातें सुनना नहीं चाहते। सोचते कि हम सब कुछ जानते हैं। आपके जमाने में क्या था, है ना? हमारे जमाने में ये है, ये है, ये है। आपके जमाने में क्या था? एक रेडियो था, टूटा फूटा, वो भी ठीक नहीं था। जमाना बदल गया, एडवांस हो गया, लेकिन अनुभव कभी न पुराना होता है। और अनुभव की जो डेफिनेशन है ना, वो युवाएं समझ नहीं सकते। इसलिए ये हमारा प्रयत्न है, भगवान भी यही सिखाना चाहते हैं। कभी खुद को बहुत बड़ा नहीं समझिए। सब कुछ जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। जानने की इच्छुकता जब बनाए रखते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।